आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में भी स्वामी जी बता दीजिए, जो बहुत आसान है और घर पर आसानी से इन्हें तैयार तो किया जा सकता है। आयुर्वेद का नुस्खा बताता हूँ, कल का प्रोग्राम आप बताओ। बिल्कुल। और अंकुरित ड्राई फ्रूट और अंकुरित अन्न, ये भी हार्ट वालों के लिए बहुत जरूरी है। ये सजावट के लिए नहीं रखा हुआ है, ये खिलाने के लिए रखा हुआ है। जी मेरे भाई स्वामी जी, क्योंकि हाँ। कई बार लोगों क्या होता है, किसी को देखकर भी इंसान की ना हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो वैसे लोग अपनी दिल की चिंता करें या कुछ और चिंता रखें, क्योंकि आपको देख के भी कई लोगों की हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो देखो, जो बुरे लोग हैं उनमें तो भय और कंपन होना ही चाहिए, लेकिन जो सज्जन लोग हैं वो बड़े खुश होते हैं हमको देख करके। तो ये तिल को थोड़ा सा गाय का घी डालते हैं, गाय का घी और गुड़ हमने सबको उपलब्ध करा दिया है, नहीं तो मधुरम डाल लें। और गुड़ इतना अच्छा है, कल मैं जब गोंद के लड्डू और गुड़ लेकर के आया था, आप लोगों को भी खिलाया था, तो ऐसे इसको अच्छे से भून लेते हैं। और फिर हमारी माँ जैसे सुशीला जी कूट रही है, ऐसे तिल कूट करके और उसमें गुड़ मिला करके खिलाते थे। हम इंतज़ार करते रहते थे कब सर्दी आएंगी, कब उखल मुसल में गुड़ कूटेगा और कब खाएंगे। बाकी को तो सबके लिए पौष्टिक लड्डू और ये गजक क्या गजब की है, ये सब हमने तैयार कर ही दी है। और इधर तिल को भून करके इधर ये चाशनी भी तैयार है, इसके अंदर डाल करके फिर ये लड्डू खिलाएंगे। ये लड्डू जो है ना बड़ा ज़बरदस्त होता है, इससे कोलेजन भी अच्छा रहेगा, 100 साल तक जवान रहेगा चेहरा और हार्ट भी अच्छा रहेगा। ये अर्जुन की छाल दालचीनी का तो काढ़ा जो मैं बता रहा था कि इसको तो सबको पीना ही है, अर्जुन की छाल और इसमें थोड़ी दालचीनी डाल दी, इतना स्वादिष्ट होता है ये और इतना कलरफुल और इतना टेस्टी होता है, क्योंकि ये दालचीनी थोड़ा मिठास लिए भी होती है। तो जो आज उपाय बताए हैं इनको जो अपनाएंगे वो 100 साल तक अपने हार्ट को हेल्दी रखेंगे। कल फिर नए विषय के साथ मिलेंगे। भारत को सब रोगों से मुक्त बनाना है, योग युक्त बनाना है और योग के साथ साथ उनको अच्छा खाना पीना भी हमें सिखाना है। बिल्कुल स्वामी जी, और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रणाम।